और एक चीज मैं आपको बता दूं कि नेपाल में हिंदू की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, एक हिंदू राष्ट्र है। इंडिया में आइए अयोध्या मंदिर देख के मरने के बाद आपका घर भगवान के पास बन गया है। उनका सोने का दांत है। 4 लाख नेपाली रुपीस। सारी भरकम स्नोफॉल में हम लोग कुरी विलेज को देखने जा रहे हैं। आगे फ्रिज जलाते हैं लोग, यानी गर्मी लेते हैं। यहाँ टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक टूरिस्ट विलेज हो गया। मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगी, इसीलिए मैं एक होटल में आ गया। यहाँ पे देखो सारे होटल में ऐसे बियर वाइन खुले में मिल जाते हैं अपने। दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ अभी कालीन चौक में, और मैं कालीन चौक के एक छोटे से प्यारे से विलेज कुरी विलेज को ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे आज शायद कोई त्यौहार है। यहाँ पे देखो हिंदू रीति रिवाज के सारे चीज रखे हुए हैं ना। मंदिर है ऊपर में। अच्छा देखो यहाँ सामान। अच्छा अच्छा, ओ भाई मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे मंदिर भी है। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर मंदिर विजिट करने के लिए, और शायद विजिट कर लिए लोग। चलते हम लोग भी मंदिर देख लेते हैं। कौन सा मंदिर है ऊपर में? मंदिर कौन सा है? काली माता। काली अच्छा काली माता मंदिर के नाम पे ही ये कालीन चौक नाम पड़ा ना। वाह बहुत अच्छा काम हो गया। यहाँ पे बहुत ठंडी लग रहा है। देख के काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी, तो यहाँ पे अंकल और यहाँ बोन फायर कर रहे हैं। बहुत दूर से इंडिया से? हाँ इंडिया से। कोलकाता से। 9-10 दिन पहले यहाँ पे बर्फ पूरा भरा हुआ था, उसके बाद बर्फ नहीं है, अब खत्म हो गया पूरा जा। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा उस साइड में थोड़ा सा बर्फ था ना। इधर आगे होगा? नहीं नहीं भाई, अगर 10 दिन पहले आ जाता ना मैं यहाँ पे, तो अभी पूरा एक कालीन चौक एक कुरी विलेज पूरा बर्फ में ढका रहता। इधर हमको अच्छा बर्फ में जब ढका रहता है तो ये गाड़ी कैसे चलता है? ये सब यहाँ पे ये गाड़ी नहीं चलेगी, वो बोलेरो है ना, बोलेरो उसके टायर में चेन डाल, चेन लगा के हाँ स्लिप करता होगा ना, बहुत डेंजर रहता है। और बाइक तो आता नहीं होगा बर्फबारी के टाइम में? लेकिन बहुत सारा जो बाइकर लोग जो आता है वो बाइक नीचे रख देता है, नीचे रख के फिर गाड़ी चल के आते हैं, पैदल चल के आता है। रास्ता तो बहुत खराब था, बहुत ज्यादा नीचे की बात कर रहा हूँ, रास्ते बहुत खराब थे बर्फबारी के टाइम में। ये चक्के में वो कुछ लगा देते हैं, लोहा या चैन टाइप का कुछ लगा देते हैं, जिससे उसमें भी स्लिप करता होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें भी स्लिप ना, बस उस बंद हो जाती है। बस वो सुमो जो छोटा बुलेरो है ना वो आता है, और बाइक वाले जो आते हैं वो बाइक नीचे ही रख के आना पड़ता है, क्योंकि बाइक अलाउड नहीं है। माउंटेन बाइक तो यहाँ पे वैसे सबके पास तो होती नहीं है ना। काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छा बात हुआ मेरा उन लोगों से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेपाल में हिंदूज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे 80-85% लोग हिंदूज हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हर जगह मंदिर देखने को मिलेगी, माँ काली का मंदिर, शिव जी का मंदिर। तो अभी हम लोग जब रोपवे से जाएंगे सुबह में, तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और काली माता के नाम पर ही इस जगह का नाम कालीन चौक पड़ा। अब जाके मुझे पता चला, अंकल ने बताया। हाँ हम लोग बकरमी नेपाली नहीं आता, आप हिंदी बोलते लोग। हाँ भरखर बनेगा आता है। हाँ 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 है ना। तो अभी आप लोग का दर्शन होके आप लोग जा रहे हैं वापस? हाँ। आप लोग कहाँ रहते हैं अभी? काबे। हाँ काबे। अच्छा अच्छा इंडिया आए कभी? नहीं इंडिया अगर काबरे दुलखेल काबरे। अच्छा 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 हाँ हाँ एक जगह इंडिया में आइए अयोध्या मंदिर, राम भगवान के घर। अयोध्या तो बन गया ना अब भाई, अपने लोग को इन्विटेशन दे दे रहा हूँ, क्योंकि अयोध्या तो बन चुकी है ना राम जन्मभूमि, तो अब आइए। बहुत बड़ा मंदिर बना है, काफी अच्छा लगेगा आप लोग को। यस अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। पैसा वसूल। नीचे देखो कालीन चौक केबल कार। अच्छा ये केबल कार कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, पूरा कुहासा आ गया एकदम, समझ नहीं आता है पहाड़ों पे इसको कुहासा बोलूं बादल बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि अपने सिटी में अगर ऐसा हो जाता है लोग उसे फॉग बोलते हैं, अब पहाड़ों पे इसे बादल बोलते हैं, अब बोलूं तो बोलूं क्या। भाई साहब यहाँ पे हमने प्लान बनाया सारे ग्रुप के दोस्तों ने मिलके कि चलो यहाँ पे बोन फायर करते हैं। यहाँ देखो लकड़ी इकट्ठा करने का काम हो रहा है। अबे पागल है क्या तू, बताओ वहाँ पे जा रहा है लकड़ी लेने के लिए, वहाँ पे पूरा खाई है, अगर पैर स्लिप किया ना भाई सारा बोन फायर खत्म हो जाएगा। मजे के चक्कर में इतना भी मत रिस्क ले, पता चला बोन फायर के चक्कर में यहाँ पे बॉडी फायर भी चला गया। बॉडी फायर हाँ हेवी लाइन हुआ, बहुत अच्छा लाइन हुआ कि बोन फायर के बजाय बॉडी फायर ना हो जाए। कुछ ज्यादा ही लकड़ी आज रात बिताना क्या हम लोग को यहाँ पर? नहीं नहीं आग ही लगाना है बस। अभी टेम्परेचर देखो 8 डिग्री सेल्सियस है, और रात में कितना जाएगा
यार -1 -2 12 बजे -2 जाने वाला है, तभी हम लोग जाग के रहेंगे और बाहर निकलेंगे और मजा लेंगे तभी। रात को रात को मजा लेंगे। बाप रे, हम लोग सोने थोड़ी ना आए, घूमने आए। ये बात तो सही है। उसको यहाँ बैठने दे। वैसे बोन फायर तो हमने काफी इंजॉय किया। और एक ऐसे जगह पे आया हूँ मैं, एक चीज बताऊंगा आपको इस चीज दिखाने के बाद। ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना सारे, यहाँ पर देखो जो पत्थर पे पत्थर रखे ऐसे सजाए गए, तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें भाई साहब ने बताया था कि यहाँ पर अगर आप ऐसे छोटे बड़े, कुछ लोग तो देखो उतने बड़े घर बना दिए, ऐसे पत्थर का घर बनाते हो, तो यहाँ की मान्यता है कि आपका घर मरने के बाद, आपका घर भगवान के पास बन गया है। यानी आप भगवान के पास एक छोटा सा घर बना के रहोगे मरने के बाद। तो ऐसी मान्यता है, अब सही है कि गलत है तो मुझे नहीं पता, फिर भी मैं अभी छोटा सा एक बना लेता हूँ। तू बनाया है? तू बनाया भाई, बना ले छोटा छोटा सा भी, बना ले भाई घर छोटा सा ही बना ले, मत गिराना मत भाई, रहने दे, छोटा सा घर बना लेते हैं हम लोग भी। आपके पास मैंने अपना छोटा सा घर बना दिया है, और तेरा कौन सा बन रहा है? तेरा बना और गिर भी गया, फिर से बना। ये अपना ना झोला छाप मिस्त्री नहीं होता है, वही है बिहार वाला। हाँ बिहार वाला, कहीं ये सचिन तिचकुले तो नहीं है? वो रोड खराब बनाता था, ये बिल्डिंग खराब बनाता है। कल मैं जब बोन फायर अपने ग्रुप के साथ कर रहा था, उसके बाद हम लोग जब आ रहे थे, तो उस समय मैंने वीडियो खत्म कर दी थी, क्योंकि उस समय मौसम ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन आज दूसरा दिन है तो मैंने सोचा चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग बस ऐसे अभी बाहर में बैठे हुए हैं और इस नज़ारे का व्यू ले रहे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देखो बारिश भी हो रही है और स्नोफॉल भी हो रही है, अभी बारिश हल्की फुल्की हो रही है। और ये हमारे होटल के ऑनर है, थैंक यू भैया, अच्छा सर्विस था। आपके होटल का क्या नाम है? हिमालयन होटल। हिमालयन होटल है ना पूरा होटल, हिमालयन एंड लॉज, तो काफी अच्छा सर्विस। एंड इनका रूम काफी क्लीन था, आपने देखा होगा, काफी अच्छा ना। हाँ, कैसा रूम? बहुत क्लीन था, और बेडशीट एंड ब्लैंकेट सब कुछ अच्छा था। जी जी एकदम एकदम। हाँ, बहुत ही अच्छा था वो सब। अच्छा मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे वहाँ पे फोन पे होता है PHONE, और यहाँ पे FONE फोन पे होता है। आपको पता है कि इंटरनेशनल में फोन पे गूगल पे काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ नेपाल में फोन पे होता है, और हम लोग के वहाँ PHONE होता है, तो अंतर है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा रूम है, और ये हमारे ऑनर है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इनको, मैन वन टाइम स्माइल प्लीज, एक बार ये स्माइल। ये देखो यहाँ पे उनका सोने का दांत है, सोने का दांत है, जिसका प्राइस इन्होंने बताया 4 लाख नेपाली रुपीस, यानी 4 लाख रुपए पड़े। मैं शॉक्ड हो गया भाई, और काफ़ी स्माइल है और काफ़ी हंसमुख है। तो फिलहाल मेरे ग्रुप के लोग जब भी इनसे बात कर रहा था ना, तो उस समय जब स्माइल करते हैं ना, तो उनके जो गोल्ड की टीथ है, सबकी नज़र उस पर चल जाती है भाई, और बहुत हंसमुख है सच बताऊँ तो। भाई साहब इस भारी भरकम स्नोफॉल में हम लोग कुरी विलेज को देखने जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या नज़ारा है। कुछ तो आगे दिख नहीं रही हमें, और वो हमारा ट्रैवल विथ ADR, हमारा दोस्त, वहाँ पे पहले ही बर्फ़ स्नोफॉल के मज़े ले रहा है। ठंडी बढ़ती जा रही है, तकरीबन -2 डिग्री हो गया होगा ना, अभी से ऊपर हो गया, -3 हो गया होगा। और ये कुछ ऐसे शॉप है यहाँ पर कुरी विलेज में, लोकल शॉप। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक कल मैंने ट्राई किया था, ये याक के दूध का बना होता है, चीज़ होता है, और इसे देखो ये रहा याक। अगर याक रास्ते में दिखा तो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखो, ये रहा उसके दूध का बना होता है, और काफ़ी सख्त होता है। अगर इसको खाओगे ना, कम से कम 2-3 घंटे समझ लो इसे, यानी मुंह में लेके जैसे लॉजेंस हम लोग खाते हो, वैसे ही इसे चूस कर खाना पड़ता है, और काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी ठंडी लग रही है, और बर्फबारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर जितने भी होटल है ना, सबके छत ऐसे स्लोप वाइज बने होते हैं, देखो यहाँ पर, और सबके छत, यानी जितने भी होटल मिलेंगे सबके छत स्लोप वाइज इसलिए होते हैं क्योंकि बर्फ़ ना जमे। अगर हमारे सिटी में जैसे घर होते हैं, इंडिया में जैसे घर होते हैं, उसकी छत होती है ना, यहाँ पर इसलिए नहीं होती है क्योंकि बर्फ़ ना जमे। अदरवाइज अगर उस टाइप के घर बनाने लगेंगे तो बर्फ़ जमने से टूटने की डर होती है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। बहुत ठंडे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। यहाँ पर देखो लकड़ी की घर बनी हुई है, और हाँ मुझे एक चीज़ याद आई, यहाँ पर सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं। नेपाल में भूकंप तो बहुत आती है, खैर पता नहीं रीज़न क्या है, सारे घर लकड़ी के हैं। शायद लकड़ी का घर थोड़ा सस्ता हो जाता है, और भूकंप में
इसके अगर गिरने के चांसेस भी होते हैं तो ज़्यादा नेचुरल कैलमिटीज़ नहीं होती है, लोगों की कैजुअलिटीज़ नहीं होती है, इसीलिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अगर पक्के मकान हो जाएंगे तो भूकंप के टाइम में गिरने से क्या होता है कि बहुत भारी भरकम कंक्रीट होती है, गिर जाती है, तो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे सारे लकड़ी के घर बने हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी, इसीलिए मैं एक होटल में आ गया और हाथ मेरा पूरा रेड होने लगा था, जमने लगा था। यहाँ पर देखो ये ऐसा कुछ होटल है, काफी अच्छा होटल है आपका। ये बीच में बोन फायर करने का देख रहे हो, यहाँ पे सारे लोग बैठेंगे और यहाँ पे आग जलेगा एकदम मस्त, काफी अच्छा है। अभी तो पिक सीजन नहीं है ना, या अभी पिक सीजन नहीं है? अब पिक सीजन कब होता है, कब यहाँ पे ज्यादा टूरिस्टर लोग रहते हैं? जनवरी फरवरी में। इंडिया, बांग्लादेश, ऑल ओवर अदर कंट्रीज से लोग आते हैं ना। आप नेपाल के हो ना? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ होटल्स हैं कि घर भी हैं? सिर्फ होटल ना, घर किसी का नहीं है ना। अच्छा, ओके ओके। और यहाँ पे देखो सारे होटल में ऐसे बियर वाइन खुले में मिल जाते हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है सिटी में कि ऐसे खुलते में तो हर जगह नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे हर जगह मिलेंगे। और पता है कल मैं जब था ना अपने होटल में, तो वहाँ के ऑनर ने मुझे बोला कि आप क्या वाइन पियोगे? तो मैंने बोला मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो आपको इतनी ठंडी लग रही है, कैसे सर्वाइव करोगे? तो मैंने बोला ड्रिंक करता नहीं हूँ तो फिर ड्रिंक क्यों करूँगा। तो उन्होंने गर्म पानी भी दिया था, फिर गर्म चाय भी दिया था, तो सर्वाइव करने के लिए ठीक था। आप सभी को दिखा दिया भाई साहब, क्या व्यू लग रहा है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से? आप लोग कहाँ से? बांग्लादेश से? अच्छा, इंडिया, कोलकाता से? हाँ यार, बांग्लादेश से। हाँ हाँ, बांग्ला जानी तो या बांग्ला जानी। तो भाई साहब बांग्लादेश से आ गए हैं, हमारे हमारे पड़ोसी देश लोग पड़ोसी देश में आए हुए हैं। अब ये लोग पोखरा से आए हैं, अब काठमांडू जाएंगे। और हम लोग काठमांडू जाने का सोच रहे हैं, लेकिन ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि काठमांडू में उतना कुछ है नहीं। लेकिन मैंने बोला चलो, काठमांडू तो मेन सिटी है यार नेपाल की, तो वहाँ पर क्यों नहीं जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, देखते हैं क्या होता है। अभी हमें यहाँ पे गाड़ी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, इसीलिए।